हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस दोस्तों आज के पॉलिटी के इस एम सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकल गवर्नेंस के बारे में लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है स्थानीय निकायों के बारे में मतलब मतलब न, आ, पंचायतों के बारे में और नगर से जुड़े हुए प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सो so, हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी थ्री मैंउट भारत के संविधान के अंतर्गत चौहत्तरवा संविधान संशोधन सेवन चौहत्तरवा संविधान संशोधन बात करता है about किसके बारे में हालांकि इसको हम लोग नाइन्टी टू समझते हैं नाइनटी टू ही कहते हैं क्योंकि बानवे में ही आया था किसके बारे में बात करता है क्या मुंसिपालिटी के बारे में बात कर मतलब नगर पालिका के बारे में बात करता है द फंक्शन ऑफ कावेरी वाटर अथॉरिटी कावेरी नदी के बारे में बात करता है कावेरी नदी के लिए हमें क्यों अमेंडमेंट करना पड़ेगा द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन ये क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शन के बारे में है या फिर कंपोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है ये राष्ट्रीय विकास परिषद तो बहुत पहले बना लिया गया था उन्नीस की बात है फिफ्टी 1951 की थ्री में क्यों करूंगा भारत में चौहत्तरवा संविधान संशोधन लाया गया था नगर पालिकाओं के बारे में तीन स्तरीय नगर पालिकाएं थी नगर पालिका नगर निगम नगर पंचायत ये तीन उसके लिए लाया गया था तिहत्तरवा पंचायत के लिए लाया गया था हमने पढ़ा है ये वेयर वॉज द फर्स्ट मुंसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप भारत में सबसे पहले कहां पर मुंसिपालिटी सेटअप किया गया था म्यूनसिपालिटी नगर निगम भारत में सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था पहला नगर निगम किसको कहा जाता है दोस्तों ये अंग्रेजों ने ही कर दिया था एक काम 1687 में अंग्रेजों ने मद्रास को सबसे पहले बना दिया था जबकि अंग्रेज उस समय भारत में राज भी नहीं करते थे केवल व्यापार करते थे मद्रास की अपनी कोठियों में कोठियां जो थी उनकी व्यापारिक कोठियां उनमें उन्होंने ये नियम लागू किया था और एक मुंसिपल सिस्टम बनाया था ये मद्रास आपका पहला नगर निगम इसलिए माना जाता है तो राइट आंसर इज मद्रास बहुत पुराने समय से इसको कर दिया गया था क्वेश्चन नंबर तीन है वेन एंड वेयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कब और कहां पर भारत में पहली बार पंचायतों का गठन किया गया था अगर पंचायत वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें मैंने इसके बारे में मेंशन किया था जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने ही गांधी जयंती के दिन भारत में एक स्थान पर उन्होंने तीन स्तरीय पंचायत की एक नींव डाली थी कहां पर यह नींव रखी गई थी तो जैसे कि मैंने गांधी जयंती का नाम दिया तो आपके पास ऑप्शन में एक ही चीज दिख रही है दो अक्टूबर वाला तो ये क्या है गुजरात में सबसे पहले भोपाल या फिरोजाबाद यूपी या फिर अहमदाबाद में तो सबसे पहले भारत में नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर जिले राजस्थान में सबसे पहले तीन स्तरीय पंचायत की स्थापना की गई थी तो पहला राज्य जो है वो कौन सा है नागौर लेकिन मैं आपको बता दूं सेकंड राज्य कौन सा ये पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश वॉज द सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया हो इंप्लीमेंटेड या हो स्टैब्लिश इंट्रोड्यूस्ड पंचायत सिस्टम आफ्टर राजस्थान तो देट इज द आंसर क्वेश्चन हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डज द सेवनटी थ्री अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ भारतीय संविधान का तिहत्तरवा संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है किसकी चर्चा करता है संविधान संशोधन तिहत्तरवा क्या यह मिनिमम एज ऑफ मैरिज मैरिज के बारे में मिनिमम एज की बात करता है वो शारदा एक्ट लाया गया था उन्नीस में जहां पर बाल विवाह और मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया था कि शादी करने के लिए क्या उम्र क्या नहीं वो उससे जुड़ा हुआ था कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन दो दो में आया था न कि तिहत्तरवा संविधान संशोधन वो तो छियासीवें नंबर का था नेक्स्ट है नगर पालिका नगर पालिका मतलब म्यूनिशिपालिटी वो चौहत्तरवा है अभी हमने ये 86 का है ये शारदा एक्ट है मैं लिख देता हूं एटी सिक्स अमेंडमेंट और ये है आपका नगर पालिका वाला ये चौहत्तरवा संविधान संशोधन और ये है आपका संविधान संशोधन 1992 right answer. पंचायत के बारे में बात करता है 73 amendment आपका तीन स्तरीय पंचायत ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर पांच व्हाट इज पर्पस ऑफ पंचायती राज पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है क्या टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भारत के विकास भारत डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक विकास में प्रशासनिक विकास में लोगों की भागीदारी क्या ये बात के लिए बुलाया गया था उसको भागीदारी देश के विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टू मेक पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से अच्छा बनाने के लिए जानकार बनाने के लिए कलाया गया था या फिर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भाई पंचायत बनाने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सीधे से संबंध है ही नहीं इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन उसके लिए तो नहीं किया गया टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इससे कौन सा इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कौन से बेरोजगार यहां पर खत्म हो रहे हैं पंचायतों से नहीं हो रहे तो सीधे सीधा उत्तर है उसका उत्तर नंबर एक है कि लोगों को इस विकास के कार्यक्रम में जोड़ना सरपंच अगर गांव का सरपंच बनता है तो वो अपने गांव के विकास में भागीदारी देगा जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही उनको गांव गांव तक पहुंचाएगा भी और इंप्लीमेंट भी करेगा क्वेश्चन नंबर से आपका द फॉलोइंग रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन टू द पंचायती राज विच एमंग फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन फॉर अकॉर्डिंग अंस्टिट्यूशनल पोजिशन मतलब ये वर्ड समझो आप किस कमेटी ने कहा था कि किस कमेटी ने कहा था कि पंचायत को पंचायत को संवैधानिक मान्यता दे संवैधानिक मान्यता दे मतलब अभी तक ये संविधान में था नहीं पंचायत इसको संविधान में जोड़ने की बात किसने कही थी कौन सी कमेटी ये सारी कमेटी आपको दिख रही है सारी कमेटी जो है ये पंचायत से जुड़ी हुई कमेटी है लेकिन किस कमेटी ने वो कहा था अशोक मेहता समिति इसने बिल्कुल नहीं कहा था अशोक मेहता समिति ने तो बोला था कि ग्राम पंचायत में बनाओ दो बना दो काफ़ काफ़ी है और यहाँ पर उनको अशोक मेहता ने बोला था कि आप चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे दो बलवंत राय मेहता ने बोला था तीन टायर सिस्टम बनाओ आप भाई और राव समिति जीवी के राव समिति ने बोला था कि चार टायर सिस्टम बनाओ और महिलाओं को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दो जबकि एल एम संघवी कमेटी ने बोला था कि तीन स्तरीय समिति बनाओ लेकिन इनको पंचायतों को पंचायत को संवैधानिक रूप से मान्यता भी दी जाए ये उनका मानना था इसलिए राइट आंसर इज एल एम संघवी कमेटी क्वेश्चन नंबर सेवन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमेटी अपॉइंटेड इन नाइनटीन सेवनटी सेवन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायत पंचायत की वर्किंग को पंचायत की कार्य का कार्य को देखने के लिए या उनको वापस जो है चलाने के लिए कैसे उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी सेवनटी सेवन में 1977 के टाइम पे मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी अशोक मेहता तो पंचायत से जुड़ी हुई ये दो कमेटियां तो नहीं थी ये तो 1957 की कमेटी राइट आंसर आपका अशोक मेहता समिति है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज ऑलरेडी हमारे संविधान में जब पंचायत नहीं बनाई गई थी तिह उन्नीस में जो तिहत्तरवा संविधान संशोधन सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उससे पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहा गया था कि पंचायत होनी चाहिए क्या आर्टिकल 48 में कहा गया था या आर्टिकल 40, 39, 35 ये सारे आर्टिकल जो है ना आपको दिख रहे हैं सारे आर्टिकल डीपीएसपी हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल नंबर चालीस वो आर्टिकल है जहां पर बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन ये कहा गया क्या ग्राम पंचायतों का गठन स्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत ये बात यहां पर ऑलरेडी कही गई थी मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आंसर आपका हो गया बी आर्टिकल नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर नाइन है पंचायत राज इन इंडिया रिप्रेजेंट भारत में पंचायत राज क्या रिप्रेजेंट करता है पंचायत राज सिस्टम क्या बताता है कम्युनिटी डेवलपमेंट समुदाय का विकास क्या ये समुदाय का विकास नहीं होगा इससे किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर इसमें बनेगा तो विकास तो होगा समुदाय विकास बिल्कुल सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भागीदारीता बढ़ेगी लोग ज़्यादातर जो है देश की विकास में हिस्सा लेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विकेंद्रीकरण क्या क्या शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा बिल्कुल होगा तो ये ऑल ऑफ दी राइट आंसर है ये बिल्कुल सही तीन उत्तर है तो ये सभी सारे के सारे सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर नौ का सही उत्तर है कि समुदाय का विकास भी होगा लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और विकेंद्रीकरण भी होगा ये पंचायती राज का जो मेन मोटिव था वो यही था दसवा क्वेश्चन हमारा हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी ऑन रिकमेंडेशन वॉज द पंचायत राज इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया भारत में वो कौन सी कमेटी जिसने कहा था कि पंचायत राज का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए सबसे पहले जिसने कहा था उस कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं ये दो तो कमेटियां थी ही नहीं पंचायत ये कमेटी थी लेकिन इससे पहले कमेटी आ गई थी बलवंत राय मेहता इज दी राइट आंसर उन्होंने कहा था कि तीन स्त्री पंचायत बनाओ क्योंकि आपकी योजनाएं फेल हो रही है आपकी स्कीम्स जो है वो फेल हो रही है तो फेल्यूअर को खत्म वो जो फेल्यूअर था उसका रीजन बताया था उन्होंने कि लेक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन लोगों का भागीदारी तो कम है लोग सरकार में जितना जहां जुड़ेंगे और आप गाँव गाँव तक को अगर जोड़ दोगे पावर दोगे तो फिर वो देश का विकास उससे जल्दी होगा और योजनाएं इंप्लीमेंट भी हो जाएगी तो ये थे आपके टॉप टेन क्वेश्चन जो कि हमने लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन शासन पंचायत और नगर पालिका को लेकर के लिए थे मुझे लगता है मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद थैंक यू वेरी मच